बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। मियाँ साहब, सर्दी तो बढ़ती जा रही है, ठंड जो है ठंड वाबा हो गई है जी, और हर पास से मतलब वैसे तो पीटीआई की उम्मीदों पर भी सियासत गर्म होती जा रही है, तो अपना मौसम ठंडा होता जा रहा है। नहीं, पीटीआई की उम्मीदों पर भी ठंड पड़ती जा रही है, हर तरफ से उन्हें कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा, ना रिलीफ मिलता नजर आ रहा है, उल्टा उन्हें नजर आ रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट में जो तहयात नैली पे उनका जो है आखिरी उम्मीद थी, चलो थर्ड डिग्री में बंदा पास हो जाता है, मियां नवाज शरीफ जो है नायल हो जाए नायल हो जाए, तो पीटीआई क्या देखिए, चलो यार मियां नवाज शरीफ तो नहीं ना बन सका, लेकिन वो भी आज आपने सारा दिन समाज अब सुनते ही रहे हैं या देखते ही रही हैं जी। और भाई जान, नया साल कोई आम आदमी के लिए कोई अच्छा साबित नहीं हो रहा, और इतनी बड़ी महंगाई का जो है ना तूफान आपको अगले महीने में फेस करना पड़ रहा है, और ये निगरान हुकूमतों के फैसले भी इख्तियार जो है वो पीडीएम की हुकूमत दे के गई थी, ये है। और कोई आपके पास कोई खबरें हो डिस्कस करने के लिए? बाकी खान साहब वही है अपना, वो कोई फैजाबाद का धरना जो है कमीशन वो चल रहा है, फैज उम्मीद है, शहबाज शरीफ कह रहे हैं जिनको नोटिस जारी हुए थे उनके हवाले से कुछ है। सही है, ते बाकी जड़ा है वे फैज उम्मीद आए वैसे उसे? नहीं जी, नहीं कितने आए नहीं जी, 3 नोटिस दे चुके हैं उनको, नहीं आए। हाँ नोटिस में लिया थे, कखना ही लिया है, कखना ही लिया। क्या वैसे है, तो बहरहाल और क्या है, और क्या खास डिस्कस करना है, याद आ जाएगा तो कर लेंगे, हैं कोई याद आएगा तो कर लेंगे। बाकी जो है वो बल्ले के लिए कोशिशें हो रही हैं, बल्ला लेने के लिए उसमें वो चिट्ठियां टपाई जा रहे हैं, कभी इधर पाओ कभी उधर पाओ कभी उधर पाओ, वो चूहे बिल्ली का खेल जो है ना वो तो अब जारी रहेगा ना, खुद ही अदालतों में गए, हर मामले को अदालत में, हर मामले को अदालत में, चलो यार आप ले जाओ तो ठीक है, लेकिन जो मामला चल रहा होता है उसको रुकवा देते हैं और खुद तीन तीन चार चार अदालतों में पहुंच जाते हैं, इलेक्शन कमीशन वाले कभी वो अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए कहीं लाहौर भी गए हैं, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, बल्कि आपसे सुनते हैं। मेरे तो सुनने खान साहब कुछ आप भी कर लिया करो जी, अज तो तुसी बहुत काम कीता होया। हां मैं बहुत काम कीता, अज मैं पता है तुसी काम कीता होया, अज मैं घट काम कीता है, मैं कोई काम नहीं कीता है। चले जी प्रोग्राम का बकायदा आगाज करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफा जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे व्लॉग बर वक्त देखने को मिल सके। तो जी खान साहब, पहले तो नए साल और महंगाई हो रही है जो है खान साहब, बिजली ये इन्होंने क्या वारदात शुरू की हुई है, बिजली हर महीने आप नए साल में तो छोड़ो, नवे महीने चढ़ी है, जेड़ा नवा महीना आता जो बिजली का रेट बढ़ रहा होता जी। भाई मामला ये है कि सर्दियों में जब बिजली की कंजम्पशन इतनी कम हो जाती है, आपके यहाँ लोड शेडिंग हो रही है। अभी कह रहे हैं, आज मैं सुन रहा था, कह रहे थे 5000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है सर्दियों में। सर्दियों में क्यों? क्योंकि बिजली अपना बना नहीं रहे, उन्होंने तुम पैसे नहीं दे रहे हो, अगले बिजली नहीं बना के दे रहे, थोड़ी जी बिजली बना के दे रहे हैं, इधर उधर वन वन देते हैं चंगे चंगे इलाके, वो जो नहीं भी बना के दे रहे उसके भी तो पैसे देने हैं, उसके पैसे वो यही जो है ये वारदात कर रहे हैं, ये जो है अपना बिलों में डाल देते हैं। अब जो बिजली नहीं बन रही उसके भी पैसे हम लोग दे रहे हैं, जो नहीं भी बन रही है और जो बन रही है जिसके पैसे नहीं भी आ रहे, तो मतलब अब देख लें कि 4.5 रुपए जो बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अनाउंस यही होता है 4.5 रुपए, लेकिन जब वो एक्युमुलेट होता है ना उसमें फिर उसी के हिसाब से टैक्स लग रहा होता है ना, वो जो 8 रुपए दे पैदा है। तो दूसरा इन्होंने फैसला किया है, बहुत बड़ा फैसला किया है रिटेलर पे जो है टैक्स लगाने का। हाँ सर, ये तो है ये, क्योंकि कल ही मैं रिपोर्ट देख रहा था उसमें अपना हमारे जो है जो ये अभी टैक्स कलेक्शन की जो फिगर्स वगैरह आई हुई थी उसके हवाले से, वो मैं उसके ओवरव्यू देख रहा था, उसमें जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो 45% या जो अभी इन्होंने कलेक्शन की है ना थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस वो 45% है और डायरेक्ट टैक्सेस 55%। ठीक है, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है आपके जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो, और इनडायरेक्ट टैक्सेस यही है ना जो आप पेट्रोल डलवाते हैं उस पर दे रहे हैं, बिजली पे दे रहे हैं, गैस पे दे रहे हैं, मोबाइल पे दे रहे हैं, हर चीज़ पे दे रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, और डायरेक्ट टैक्सेस जो है उसकी कलेक्शन कम है, ऐसा कहीं भी नहीं होता दुनिया में। तो ये तो मुझे एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी है भाई, अगर 25 लाख वो जो है रिटेलर्स जो हैं उनको वो टैक्स नेट में लाना चाह रहे हैं, मगर ये जब लेके आएंगे तो उन्होंने हड़तालें शुरू कर देनी है, फिर क्या करोगे? फिर वो मेरा वो उससे जो है इनडायरेक्ट टैक्स उतार ले, तो उसे डायरेक्ट टैक्स ले लें।
हाँ बिल्कुल यही है ना, देखे ना आप, आप उधर से डायरेक्ट टैक्सेस भी पूरे लगा रहे हैं और ऊपर से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी आप डबल तीन गुना चार गुना ज्यादा ले रहे हैं। आप उससे जो है कमर्शियल बिजली जो है उसे 90 रुपए यूनिट दे रहे हैं, उस पर टैक्स ले रहे हैं ना जी। वो जो फ्यूल उसकी वो जो सारी ट्रांसपोर्टेशन है, वो जो फ्यूल इस्तेमाल कर रहा है, उस सारे पे ले रहे हैं ना आप टैक्स जी। हाँ, अगर वो कम्युनिकेशन के लिए फोन इस्तेमाल कर रहा है उस पर ले रहे हैं ना टैक्स, बिल्कुल ले रहे हैं। अगर उससे वहां पे पानी हर चीज पे आप इनडायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं, हर चीज पे इनडायरेक्ट टैक्सेस है जी। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है इतने ज्यादा। तो ये भी मतलब ये जो रिटेलर या कोई भी ताजर हो या कोई, सब कहते हैं कोई एक सिस्टम अपना लो ना। फेलियर तो ये जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ही हुआ ना। बिल्कुल, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने तो इम्प्लीमेंट करना है, पॉलिसीज किसने बनानी है। नहीं कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो इतना करप्ट है, इतना करप्ट है, वो अपना वो भी ये चीज अवॉइड ही करते हैं। वो वैसे जो है जाके दुकानदारों से बता ले लेते हैं, मंथलियां लगी हुई हैं सबकी, वहां से अपना मंथलियां ले लेते हैं, ठीक है। वो फिर टैक्स नेट में नहीं आते हैं, वो कहते हैं जी ये दीदी सेल ही कोई नहीं है, जो जी डेली दी 10-10 लाख की सेल कर रहे हैं, वो दी सेल कहते हैं दी सेल ही कोई नहीं है। तो फिर देखना, फिर सिस्टम को भी ठीक करें, और एक और चीज को भी ठीक करने की जरूरत है, वो ये है कि वो जिसकी आपने ड्यूटी लगाई हुई है वहां से टैक्स कलेक्शन करने की इस पूरे एक रीजन की, उस इंस्पेक्टर की तनख्वाह कितनी है? उसकी वही होगी जो अपना सरकारी मुलाजमीन की होती है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तनख्वाह नहीं है भाई। कम अज कम एक इंस्पेक्टर का जो इस्लामाबाद में जो सर्कल है उसे 6 अरब रुपए से ज्यादा कलेक्शन करके देनी है। जब पाजी उन्हें अपने एसेट चेक कर लो, वो कितने होंगे, इसीलिए ना। हाँ, मोटर में भी आपने ठीक किया था सैलरी। हाँ, किसी का दिल नहीं करता आराम करने को, अगर जायज तरीके से जरूरत पूरी हो रही हो ना। तो हर एक बड़े जितने साफ सुथरे ऑफिसर थे सारों ने ऑप्ट किया मोटर वे पे जाना, और अभी तक वो माशाल्लाह सर्विस जो है। हाँ, वो एक हमारे पास रोल मॉडल है। तो बहरहाल ये अपना है तो खान साहब जाती है, मगर इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, लोग जो है प्रोटेस्ट करते हैं, किसी पे कोई अपना जूनी रिंगती है। अब ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, इन्होंने चले जाना है, फिर जड़े नवे आएंगे वो एन जी, फिर जड़ा वो जड़े मुजाहरे ने प्रोटेस्टर्स और ये वो उन्होंने डील करते रहेंगे, मगर वो जो है रिलीफ कैसे आवाम को देंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि ये टैक्स लग दे सके। देखो ना, इलेक्शन सीजन है, और जिस तरह आप कह रहे हो कि वो हड़तालों पे आ जाते हैं, जो उनकी ताजरों की तंदी में है, फेडरेशन जो है वो एहतजाज पे आ जाएगी, तो कौन सी पोलिटिकल पार्टी जो है वो उन्हें नाराज करेगी, सारे उनका साथ देंगे। ये तो मतलब सारी हुकूमतें जो है ये शाम 7 बजे दुकानें नहीं बंद करा सकते। हाँ, ये जो है ना ये बहुत बहुत बड़ी ज्यादती है जी। ये तो दुकानें जो है ना, जो कारोबार है वो तो, आप कितने बजे कह रहे हैं, 10 बजे 7 बजे 7 बजे हाँ, 6-7 से ज्यादा तो जाना ही नहीं चाहिए, 6-7 बजे तक कारोबार बंद कराना चाहिए। मगर फिर खान साहब कोई मसला है, अब कारोबार वाले को, कारोबार को बिजली दे रहे हैं ना, ठीक है, वो बिजली के ऊपर जो है सारा कुछ दे रहे हैं, ठीक है, वो अपना जब कारोबार जल्दी बंद हो जाएगा वो बत्ती जड़ी बचेगी, जी बिजली बचनी है वह वजन फिर साढ़े से पा लेना उन्होंने। नहीं नहीं, वो मतलब लोगों को मिलेगी यार, लोड शेडिंग खत्म होगी। नहीं खत्म नहीं होगी खान साहब, वो साढ़े से पाएंगे, जिन्होंने बिजली मिल रही है उन्होंने पाएंगे। तो मैं तो बड़ा सीरियसली, आज मैंने ये देखा तो आज तो मैं सीरियसली बड़ा सोच रहा था भाई किसी तरीके से जो है कोई अपना चक्कर चक्कर चला के सोलर ही लगाना चाहिए, और सोलर भी जो है वो नेट मीटरिंग नहीं करवानी चाहिए जी। है नेट मीटरिंग में भी बड़ा नुकसान है, देखे ना, आपसे 9 रुपए यूनिट लेगी और आपको 45 रुपए यूनिट वापस करते हैं। हाँ, बाकी खान साहब सुप्रीम कोर्ट में वो चल रहा है केस अपना, वही जो है लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन वाला। हाँ, वो तो बड़ी मजे मजे की उसमें ऑब्जर्वेशन आ रही है। हाँ, उसमें जो है वो नजर तो यही आता है भाई अपना इसको जो ऑब्जर्वेशन तो आई है ना जी। हाँ, वो चीफ जस्टिस की तरफ से आई है। हाँ, उसमें भी यही नजर आ रहा है उनका माइंड जो है कि जी ये बहुत सख्त सजा है, आपने जी माफी की और सारी उसकी गुंजाइश मौजूद रहनी चाहिए। अब वो इसको उसमें कोई इस्लाम का भी हवाला दिया है। हाँ जी, हाँ, उन्होंने कहा ये अन इस्लामिक है, आप जो है किसी को लाइफ टाइम जो है नाहल कर देते हैं, और हालांकि इस्लाम का भी है पे तोबा की गुंजाइश है और अल्लाह भी माफ कर देता है। वो कई जाहिल जो है ना अपने तरफ से, असल मसला ये है ना जो कम इल्मी है ना, और ये जो आपकी फेसबुक की दानिश जो है, है? एक फिक्रा पढ़ लिया वो यूथी, वो पीडीआई के जो हामी है और ये जो काजी साहब के जो अगेंस्ट लगे हुए हैं इमरान हुस,
अच्छा उनके जो नाकदीन है वो कह रहे इनके जनाब फिर कत्ल की सजा क्यों, फांसी दी, फांसी मतलब भी हतमी है ना, तौबा का दरवाजा खुला होना चाहिए, और कम अकल वो सजा, वो सजा है, वो सजा तो खान साहब वो भी वो इस्लामिक है ना, कत्ल का बदला जो है वो अपना उसके यही है, हाँ उसकी सजा जो है सजा मौत ही है, अनलेस के कोई अपना जो है वो क्या होता है दियत, दियत या कसास और दियत, कसास और दियत अगर कोई किसी का ले ले या माफ कर दे, हाँ तो अदरवाइज तो उसकी तो सजा है, मगर ये बस इन्होंने जो बेवकूफ बना दे इन्होंने बेवकूफ बन जाना है, जो पीटीआई दे लोगों की जो लीडरशिप कह देगी उन्होंने कहना है बिल्कुल उन्होंने सच कहता जी। अच्छा मुझे वो जस्टिस मंसूर का एक जो है ना ऑब्जर्वेशन जो है उनका माइंड थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन थी उन्होंने जाता है कि क्वेश्चन भी था और ऑब्जर्वेशन भी थी कि भाई ये मामला पार्लियामेंट में छोड़ दिया जाए ना, वो अपने यहाँ तरमीम कर ले, सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहा जाता है, तो बहर सिलसिला जो है ना वो नजर यही आ रहा है कि ये सारा, फिर मैं वही कहूँगा कि 1.5-2 साल जो सब आफत साहब ने पूछा थी ना किसी ने, आफत साहब आफत साहब हलवा खाओगे, उन्होंने जी क्यों नहीं खावाएंगे, आफत किस मारे बने सर अखाड़ा से बने सर, तो भाई ये सारा स्टेज जो है नवाज शरीफ अलाई उसके लिए लग रहा है ना, और हर वो चीज़ देखो आज इन्होंने बदले ले रहे हैं जी, नवाज शरीफ नवाज शरीफ के पोस्टरों पे ना पत्थर मारे गए थे, जूते मारे गए थे, आज इसी तरह इमरान खान के अगलों ने जनाब फुटेज आ गई है, कोई बैनर लगा रहे थे तो वहाँ पे लड़कों ने जाके उसके चेहरे पे चपड़े मारी, इमरान खान के पोस्टर्स पे, हाँ जी हाँ, तो जो उनके जो करवाते रहे जो करते रहे हैं, हालांकि खान साहब ये कल्चर इससे पहले किधर था, सारे अपने अपने जो है पोस्टर लगाते थे, अपने अपने बैनर्स लगाते थे, अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाते थे सर, ये इन्होंने बहुत ज्यादा जो है ना सोसाइटी को जो है ना बिल्कुल ही जो है ना बहुत ज्यादा पोलराइज कर दिया, ये मैं आपको फिर आप कह रहे हो नहीं था, मैं किस दिन पूरा इस पे आपको 70 से लेके अब तक का बताऊंगा कि कितनी पोलराइजेशन थी, मैं आज भी कहता हूँ कि इनके साथ अभी भी कुछ नहीं हुआ, कि जो माजी की जो मतारब ग्रुप जो आपस में लड़ते रहे ना पोलिटिकल पार्टी क्या क्या एक दूसरे साथ करते रहे हैं, या एस्टेब्लिशमेंट के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट उनके साथ क्या क्या होता रहा, इनके साथ मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 5-10% भी नहीं हुआ, हाँ कुछ भी नहीं हुआ है वाकई, मगर अपना ओ की कही दे बीन पानी, बीन पानी वो बीन पाना के की कहंदे ने ओ जेड़ा वैर पाना, वैर पाना, वैर पाना जो जेड़े ने वद ने, अब देखो ना यार अजीब, आप हर एक से लड़ रहे हो, अब आपके वकील वो जो है अडियाला बाहर निकल के कह रहे हैं कि हमें चीफ जस्टिस पे एतमाद नहीं है जी, हाँ वो यार कैसे मामले को आप आगे लेके चल सकोगे, कैसे चलेगा ना, तो इलेक्शन कमीशन होते एतमाद है उसकी बात आपने नहीं माननी, आपने आर्मी चीफ की बात से भी इतफाक नहीं है उसकी भी नहीं माननी, उसका चीफ जस्टिस की भी नहीं माननी, की करना है, इन्हों का झंडा ही है वे पे अदारे बिल्कुल गंदा कर दो, बिल्कुल अदारे नू कोई अदारा समझे ही ना, जेदा बस चले डांगा सोटा लैके जेड़ा है ना जिथे पहुंचना है जिथे उसका दफ्तर च काम नहीं हो रहा अगला डांगा सोटा लैके पहुंच जाए, ये स्टेज पे लोगों को लेके जा रहे हैं सर, मैं फिर मैं आप कह रहे हो ना कि इनका जो है ये इनके सबसे फैमिली है, एक ही दिन में निकल गई थी, हाँ 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 भाई मैं आपको सारी डिटेल सिर्फ एक बता दूं, इसके आप भी गवाह होंगे अर्ली 90s के जब पीपल्स पार्टी और MPM मुतारब हो गई थी और एक दूसरे के कारकुन अगवा हो गए थे और ड्रिलों के ड्रिले की गई थी, वो टार्चर सेल बने हुए थे, तो इन्हें अल्लाह ना करे कि वो चीज़ें वापस आए, जब ये कशीदगी हर एक से आप यार कशीदगी कर रहे हो हर एक से आप लड़ रहे हो तो लड़ पाएंगे सारा कुछ इस तरह, सवाल ही पैदा नहीं होता, लड़ ही नहीं सकते चूचे ने, आपस से लड़ गए बचीगा, हाँ वो आपस में क्या हुआ है खान साहब, वो आज कोई उनके आपस में कोई झगड़ा हो गया है, वो जो PTI के चेयरमैन है और एक जो है एक स्टार वार्ड्स हैं मरवत जी है, वो इनका क्या झगड़ा हो गया आज, कोई नहीं बस हर बंदा कहता है कि जी मैं बड़ा हूँ और वो चाहता है कि मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, वो उनके सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मिनिस्टर गौर की और उसने जाहिर है मामला वहाँ पे भी वही देर बहस था यार क्वेश्चन के भी, मरवत साहब तो और लतीफ़ कोसा साहब तो अडियाला जेल के बाहर कह रहे हैं कि हम अदम एतमाद है, तो गौर साहब जरा बहन बहन गुफ्तगु हो रही थी तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, मरवत साहब आ गए मैंने अपनी करनी है, उन्होंने बड़ा रोकया बैठे, फिर उमैर न्याजी जो उनके वो भी कोई वाइस प्रेसिडेंट है शायद कुछ है वो भी अहदेदार हैं और मियां वाली से कोई कैंडिडेट भी है ना, हाँ वो भी बैठे थे मरवत के साथ, फिर थोड़ी देर बाद वो उठ गए चले गए, फिर
पीछे से आकर उन्होंने मरवत के वो डाली है, लेकिन उसे वही जो उसे मैंने लफज यूज किया था बड़ा सर कुत्ता ठीक है ना। तो ये वकीलों के हाथ जो है ना ये काम पीटीआई जो है ना बड़ी पी है। चले अच्छा जी खान साहब, वकीलों ने भी बड़ी हथ चकी सी इन्हों के आपस च लड़ते रहने ज्यादा अच्छा है। उसका बेचारे का की बनेगा, इमरान खान का यही लड़ते रहे थे। इमरान खान खान साहब वो यशी कर रहा है, वो कोई उसके लिए वो जेल जेल नहीं है, वो यशी कर रहा है वहां पे। हाँ मतलब वो अपनी जिंदगी का, मेरे सामने वो अपनी जिंदगी का बेहतरीन टाइम जो है वो इस वक्त जेल में गुजार रहा है, अपनी जिंदगी का मैं कह रहा हूँ बेहतरीन टाइम। अच्छा हाँ मतलब एक रूटीन लाइफ है, आपको मर्जी का जो है अपना अंडे पराठे फ्रेंच टोस्ट और अपना वो की है देसी मुर्गियां और दुम्बे दे तिक्के और पूरी यशी कर रहा है वो तो वहां पे बैठा, सारी फैसिलिटीज मिली हुई है उसको। तो आगे जो है आगे किसी को, अभी तो चलो सरकार दे रही है, आगे जो है जी उन्हें कोई पंटर रखे हैं जो घर की रोटी रूटी पूरी कर दे सर। सही है हाँ, तो वो तो यशी कर रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहरहाल खान साहब वो तो चले इनकी लड़ाई भी है, मगर ये देख लें आप ये वारदात क्या कर रहे हैं, आप अंदाजा करें ये आप इनका बल्ले का निशान गया है, हर कोर्ट में जाके चिट्ठियां डाली जा रहे हैं। लाहौर भी चले गए, हाँ लाहौर भी चले गए, लाहौर वालों ने तो आज डिस्पोज ऑफ कर दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उनकी पिटीशन, उन्होंने कहा तुम कि मुंह चक के आ जाते हो, थोड़ा केस जोड़ा है होर अदालत लगा है जे ठीक है, और तुम इतने मुंह चक के आ जाते हो। पेशावर में आपके एक दफा फैसला हो गया, दूसरी दफा फैसला हो गया, अभी फिर 9 तारीख को जो है अपना वो डिवीजन बेंच बैठना है, 2 रुकनी जजेस ने सुनना है वो केस ऊपर से आज। अच्छा चलो तो पंजाब तो जी है उन्होंने सुबकी हुई है पंजाब ये क्या होती है लाहौर हाई कोर्ट से, तो आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी डाल दी है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी यही होना है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह देना आपकी 9 तारीख लगी है, पहले आप उधर हाई कोर्ट को तो भुगता के आए ना, हाई कोर्ट क्या फैसला करती है उसके बाद हमारे पास है, अब वो हाई कोर्ट 9 तारीख को बैठेगी उसमें सुनेगी, उसमें जो भी फैसला करेगी तो उसके अगेंस्ट जो है आइदर पार्टी जो है वो अपील में सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, भले इलेक्शन कमीशन जाए भले वो अपना जाए, पर चिट्ठियां पाई जा रहे हैं और सिर्फ जो है अदालतों को गंदा करने के लिए, यह देखो जी असी से अदालतों से पा रहे हैं पर अपना जी साड़ी सुनी नहीं जा रही। और फिर वो ऐसे बड़े नौसरबाज ने अच्छा एक्सपोज भी हो जाते हैं यार, एक्सपोज भी हो जाते फिर भी कहते मैंने तो कल वो जो पढ़ पढ़ के सुना दिया वो खोसा था जो मुझे पढ़ने नहीं दे रहे थे, मुझे कह रहे थे वो फलाना सफा नंबर जो है ना मैं पढ़ना चाह रहा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रहे थे, मैंने फिर भी पढ़ के सुना दिया, बड़ा मार का मार है की पढ़ के सुनाता जी, तो ये हमने सारे जो है ये हमारे जो कागज रिजेक्ट हुए हैं ये मैंने सोशल मीडिया से अपना ये लिए है पढ़ के सुनाता। लो जी अपना इस पे खत्म करें, एक अच्छी खबर की जनाब शेख रशीद साहब और उन्होंने भतीजे साहब के कागजात जो है नामजदगी और अजाजुल हक साहब जो है ना वो मंजूर हो गए, और अजाजुल हक साहब कंटोनमेंट तो उम्मीदवार ने जहाँ पे पिंडी में, हाँ जी है अच्छा, और शेख रशीद और उन्होंने जो भतीजा वो पिंडी का उम्मीदवार है, तो ये फिर कल पिंडी डिवीजन से कल होगी गल ठीक है। तो वो बाकी फैजाबाद में धरने का कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसकी भी हियरिंग चल रही है। हाँ फैजाबाद धरने की हियरिंग चल रही है, उसमें जो है फैज हमीद को जो है कोई 3 नोटिस जारी हुए थे, मतलब वो किसी भी पहला एक नोटिस जारी हुआ नहीं आया, उसका कोई जवाब नहीं आया, दूसरा नोटिस जारी हुआ फिर भी नहीं आया, फिर जो है उसको जो है एक सवालनामा भेज दिया गया और तीसरे नोटिस के साथ, तो उसने उस सवालनामे का जवाब दे दिया, जिसका उसका क्रक्स ये है उसका नटशेल ये है कि मैं तो जी उस वक्त जो है जो कुछ भी कर रहा था हुकूमत के कहने पे कर रहा था। हाँ बिल्कुल, उन्होंने जो अपने इंटरव्यू में सारा वो यही कहा है ना, उनका जो मौक़िफ़ सामने आ चुका हुआ है वो यही है कि जनाब कैबिनेट में फैसला हुआ था और आई एस आई चीफ नवीद मुख्तार उसमें मौजूद थे, और मैंने फिर कैबिनेट की और अपने सीनियर का जो है जो भी था फैसला उसके तहत दिया था, मगर वो जो एहसन इकबाल उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर होते थे उनका कोई इस किस्म का स्टेटमेंट उन्होंने जो रिकॉर्ड करवाया उसमें तो उन्होंने कोई इस किस्म की बात की है ना, इन्होंने खुद हमें कहा था कि आप मुझे इसमें शामिल करें, ये जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था लिख के नहीं कहा था। अच्छा ये लिख के नहीं उन्होंने कहा, लिख के क्लीन चिट ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट। अच्छा तो बाकी शहबाज शरीफ साहब को भी 2 दफा तलब कर चुके हैं वो चीफ मिनिस्टर था उस टाइम, हाँ वो भी माशाल्लाह नहीं हाजिर हुए, चलो आज उनको भी 21 सवाल भेज दिए गए तुम इन्हों का जवाब दो ना पहला, तो ये अगर अगर कोई कमीशन के आगे अपीयर नहीं होता तो क्या होगा, वो ये तो कुछ भी नहीं कर सकते उनका, बस ये तो बकायदा रिपोर्ट बना के दे देंगे जी हाँ जी असं फलाने बुलाया वो आया नहीं है ए आया सर इन्हों का ए इन्हों का मौका भी सी ए रिपोर्ट है जी जी हाँ जी होगा ऐसे ही होगा। हाँ
क्लीन चिट मिल जाएगी और इतना लंबा चलेगा कि काजी फाजी साहब भी घर जा चुके होंगे उस टाइम तक, तो इजाजत लीजिए अभी भी जाइए घर। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही काफी। कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।